महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार ने मुख्यमंत्री पद को लेकर कहा है कि मुझे सीएम बनने की कोई चाहत नहीं है, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है और मैं सिर्फ विकास के बारे में ही सोचता हूं। इसके साथ ही अजीत पवार ने एनसीपी के नाम और चुनाव चिन्ह पर भी जवाब देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन का जो भी फैसला होगा उसको स्वीकार करूंगा। बता दें कि अजीत पवार और शरद पवार दोनों गुटों ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावेदारी की है। एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने मन से अध्यक्ष राज ठाकरे की तारीफ करते हुए कहा है कि शिवसेना में मतभेद के बाद राज ठाकरे ने अलग घर बना लिया और अलग पार्टी बना ली, लेकिन उन्होंने कभी ये बयान नहीं दिया कि शिवसेना उनकी है। लेकिन अजीत पवार ने बगावत करने के बाद सीधे तौर पर एनसीपी पार्टी और सिंबल दोनों पर दावा किया है, जो कि पूरी तरह से गलत है और ये सब बीजेपी के कहने पर हो रहा है। विपक्ष की पार्टियों को तोड़ने का काम बीजेपी कर रही है। सुप्रिया सुले फिलहाल दौंड और इंदापुर के दौरे पर है और सुप्रिया सुले यहाँ के गणेश मंडलों का दौरा कर रही है। महाराष्ट्र की एटीएस को बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी दस्तावेज के आधार पर राशन कार्ड मुहैया कराने वालों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस मामले में महाराष्ट्र की एटीएस ने थाने के भिवंडी इलाके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जो पैसे लेकर राशन कार्ड उपलब्ध करा रहे थे। आरोपी राशन कार्ड बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति से 8,000 रुपए लेते थे। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज भी कर लिया है और आगे की जांच में जुटी हुई है। वहीं गिरफ्तार हुए आरोपी से भी पूछताछ कर रही है। महाराष्ट्र के थाने से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। महाराष्ट्र के थाने में कुछ लोगों ने एक ट्रक ड्राइवर की पीट पीट कर हत्या कर दी। ये हादसा सुबह 4 बजे हुआ है। ट्रक ड्राइवर की हत्या करने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। ड्राइवर की हत्या किस वजह से की गई है अभी तक पुलिस को पता नहीं चल सका है। पुलिस सभी आरोपियों को खोजने की कोशिश में जुटी हुई है और पूरे मामले की जांच कर रही है। मुंबई के डोंबिवली इलाके से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शराबी पिता ने अपनी ही 10 साल की बेटी को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी मनोज अग्रहरी ने बेटी की कमजोर दिमागी हालत से तंग आकर ऐसा कदम उठाया। मनोज अग्रहरी का परिवार मानपाड़ा पुलिस स्टेशन के पास ही रहता है। परिवार की आर्थिक हालत भी इस समय अच्छी नहीं है और आरोपी पिता को शराब पीने की लत है। मां की शिकायत पर मानपाड़ा पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर पिता मनोज अग्रहरी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच में जुटी हुई है।